हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 5 सुभाषित अनी की एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मंजूषा मिश्र दिए गए शब्द से रिक्त स्थान भरिए। ये सेम एज द श्लोक है जैसे आपका चैप्टर में दिया गया है, विद्वतम च निरुक्तम च नैव तुल्यम कदाचन आएगा, फिर स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ठीक है, ये संतोष परमो लाभ सत्संग परमा गति विचार परमा ज्ञानम शमो ही परमम सुखम। नेक्स्ट है, मंजूषा से उचित शब्द चुनकर श्लोक के अन्वय को पूरा कीजिए। अन्य अन्वय होता है मतलब सिंपल लाइंस में आप उसको लिखिए। तो दानम भोगो नाश मतलब वित्त से मतलब धन के दान भोग नाश होते हैं। ठीक है, तीन गतियां होती हैं धन की, दान भोग नाश तीन गतियां होती हैं। यो ना ददाति जो ना देता है ना भोग करता है उसकी तीसरी गति होती है। तीसरी गति कौन सी है? नाश। ठीक है, अब एक शब्द में उत्तर दीजिए। हस्तस्य भूषणम किम? दानम, हाथ का भूषण दान है। सत्यम कस्य भूषणम? सत्य किसका आभूषण है? कंठ का, कंठस्य। जैसा क्वेश्चन में कस्य है तो कंठस्य आंसर में आएगा। देखो यहाँ केन है तो व्यवहारेन, मित्रानी रिपब्ज केन जैन ते, मित्र और शत्रु कौन बनाता है? हमारा व्यवहार। स्वदेश क पूज्यते, स्वदेश में या अपने देश में कौन पूजा जाता है? राजा। वित्तस्य गति गत्य भवन्ति त्रय, धन की कितनी गतियां होती है? तीन। परम सुखम किम? शमो शांति। क प्लस चित कश्चित, गति प्लस भक्ति गतर भक्ति, रिप प्लस तथा रिपवस्था, कस्य चित प्लस मित्रम कस्य च मित्रम। ये आप करी लोगे, आप ट्रांसलेशन वाले चैप्टर वीडियो में जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कौन सी ट्रांसलेशन कौन से श्लोक की है। नेक्स्ट है, आपको प्रश्न निर्माण कीजिए। देखो कंठस्य मतलब कस्य, ये सबके सब जो है ना किन धातु रूप से किन शब्द रूप से निकली है। ठीक है, पहले आपको देखना होता है इसमें पुलिंग है तो पुलिंग के किन धातु रूप चलेंगे। जैसे कंठस्य पुलिंग लेकर चलते हैं तो कस्य आएगा, मित्रानी नपुंसक लिंग है तो कानी, विद्वान पुलिंग है को, उदार चरिता नाम केशाम, परमो लाभ संतोष अस्ति किम अस्ति। ओके, विशेषण से विशेष्य मिलाइए। परम का लाभ तीन गतियां होती है, परमम ज्ञानम परमा गति। इसके साथ इसकी एक्सरसाइज पार्ट खत्म होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए।